दोस्तों, मेरा नाम सुनील, आप देखिए डिजिटल प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। जो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये 90 गज में एक बना हुआ एक मकान है जो 2 BHK का है। इसमें 2 बेडरूम मिलेंगे, 2 आपको वॉशरूम मिल रहे हैं और एक पूरा मॉडल किचन मिलेगा और एक 2 व्हीलर पार्किंग। घर के बाहर जो रोड मिल रही है वो लगभग 22 से 25 फीट की है, तो आप अपनी अगर आपका 4 व्हीलर भी होगा तो आप उसको वहां भी खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए जगह की बात करें तो जगह आ रही है नकरोना में। इसी एरिया में हमारे पास और कुछ मकान भी आए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका जो लिंक होगा मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको देख लीजिएगा। कि भाई नियर बाय आपको स्कूल्स और की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाईवे यहाँ से जो अपना हरिद्वार हाईवे है लगभग लगभग यहाँ से 3 साढ़े 3 किलोमीटर है, और नकरोंदा रोड से ये मुश्किल से 200 मीटर अंदर होगा। तो कनेक्टिविटी पूरी है यहाँ पे चारों तरफ। आप आने के लिए आप हरिद्वार से या यहाँ से हरिद्वार से आना हो या गढ़वाल से आना हो तो बिल्कुल नज़दीक है। और अगर आपको यहाँ से अपनी सिटी में भी जाना है तो सिटी में जाने के लिए भी यहाँ से 20 से 25 मिनट में आप पूरे घंटा घर पहुँच सकते हैं यहाँ से आराम से। नियर बाई आपको सेंट्रल स्कूल भी मिल ही रहे हैं। यहाँ पर एक पैसिफिक का जो मॉल खुल रहा है वो भी बनने वाला है, तो उसकी वजह से इस एरिया के प्रॉपर्टी के रेट वैसे भी बढ़ने वाले। तो ये इसके लिए आप हमसे जल्दी संपर्क कीजिएगा इस प्रॉपर्टी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आ रही है और आप इसे विजिट करना चाहते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन में नजर आ रहा होगा आपको, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आप इसको विजिट करवा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और एक चीज़ और बता दो, जब भी कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के पेपर जरूर चेक कराएं, उससे आप प्रॉपर्टी फ्रॉड होने वाले से बच सकते हैं। ये जगह का जो रोड है ये कम से कम 24-25 फीट का रोड होगा, क्योंकि ये नहर पूरा बंद कर दिया गया है इसमें। और ये जो मकान रहेगा, मकान ये रहेगा, ये इसका पूरा फ्रंट अलाइनमेंट है। ये 90 गज में बना हुआ है, देखते हैं अलाइनमेंट काफ़ी बढ़िया दे रखा है इसका। और अगर आप चाहो इसके लिए जो ये एरिया बचा हुआ है, आप अपनी जो 4 व्हीलर है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। 2 व्हीलर भी अपने यहाँ खड़े कर सकते हैं। और यहाँ से आपके इसके एंट्री के ऊपर आयरन का गेट मिलेगा और ये इसका 2 व्हीलर पार्किंग रहेगा। यहाँ पे मोटर फिट हो जाएगी आपकी, ये देख सकते हैं। ये इसका एंट्री गेट है, जाली वाले दरवाजे लगे हुए हैं इसमें। अब जो डोर खुलेंगे ये डबल पल्ले वाले, ये देख सकते हैं इसमें पूरा डिजाइन बना के दिया हुआ है। ऊपर पूरा फोर सिलेंडर है, आपको फैन पूरे लगे हुए मिलेंगे इसमें। और यहाँ पर आपको एक वॉश बेसिन मिलेगा, इसके साथ ही आपको ये आपका मॉडल किचन आ जाएगा। किचन का साइज काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे आपका सिंक है, यहाँ पे अपना गीजर लगा सकते हैं, या अपना आपको आरओ लगाना है तो आरओ लग सकता है। यहाँ पर भी एक दे रखा है स्टोरेज के लिए। विंडो है तो वेंटिलेशन को भी दिक्कत नहीं होगा, आपको एग्जॉस्ट लगा हुआ मिल रहा है, ये चिमनी के लिए छोड़ा रखा है आपको। अब यहाँ से आपको मैं इसका पहले फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ। ये इसका फर्स्ट बेडरूम रहेगा। यहाँ से पीछे से जगह छोड़ी हुई है थोड़ी सी, तो उसमें जाने का रास्ता है ये। पूरी अलमारी मिल रही है टॉप तक की, आयरन की अलमारी है। और इसके साथ आपको ये मिलेगा एक अटैच बाथरूम, तो बजट सेगमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया है। ये वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ है इसमें। ये इसका सेकेंड बेडरूम रहेगा, इसमें भी फैन मिलेगा आपको। पीछे से जो ओपन एरिया वो छोड़ा हुआ है। और इसका बाथरूम दिखा देता हूँ, ये इसका काफी बड़ा बाथरूम है, इसमें आपको गीजर भी लगा हुआ मिल रहा है। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आई और आप इसे विजिट करना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपसे विजिट आपको करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।